लार्सन एंड टुब्रो कंपनी का नाम हम लोगों ने सुना है। उस कंपनी में मैनेजर एक बहुत बड़ी पोस्ट, बहुत बड़ी इनकम, बहुत बड़ा नॉलेज और बहुत ही हाईली क्वालिफाइड पर्सनालिटी। उनको जब ये रिएक्शन समझ में आया और इसमें आगे बढ़ने की संभावना जब उन्हें समझ में आया तो उनको ये लगा कि हम मैनेजर बनके अपने जीवन में रह के क्या कर सकते हैं, और अगर रिएक्शन को अपने जीवन में उतार लिया तो हम क्या क्या कर सकते हैं। ये समझ में आने के बाद उन्होंने कुछ समय शायद अपनी ड्यूटी के साथ किया और उसके बाद कंपनी को रिजाइन किया। एक वेल एजुकेटेड पर्सनालिटी, वेल फाइनेंशियली रिच पर्सन के तरीके से रहने के बाद मुंबई का दादर एरिया, दादर के बगल में प्रभा देवी, एक पॉश एरिया में रहने वाले व्यक्ति जिन्होंने रिएक्शन को गहराई से समझा और देश विदेश की यात्राओं के साथ अपने जीवन में बहुत कुछ उन्होंने रिएक्शन के माध्यम से हासिल किया। आज पति पत्नी दोनों जन रिएक्शन का प्रचार प्रसार और हमारे आप जैसे लोगों को जीवन में भी परिवर्तन आए उनके लिए एक प्रेरणा का माध्यम, प्रेरणा का स्रोत बनने का ठान लिया है उन्होंने, और उसी के संदर्भ में आज उनका समय हम लोगों को मिला है। तो हम चाहेंगे कि खड़े होकर एक जोरदार ताली से स्वागत करेंगे देता है, जरा ऊंची आवाज में बोलेंगे तो मजा आएगा।
एक साथ आवाज आएगी तो ज्यादा मजा आएगा। कितने लोगों ने IPO लिया है, अपने अपने शेयर्स बुक किए हैं, खड़े हो जाएंगे अपने अपनी जगह पे। DXN में अपने शेयर्स बुक किए सुनने के लगता मुझे टेंशन आ गया, तो मैं अलग से अप्लाई कर दूंगा। डिविडेंड तो सबको चाहिए। कंपनी 13वें रैंक पे है, DXN कंपनी इंटरनेशनल 13वें रैंक पे। आज 1000 बुक किए हो, 2000, 3000, डिविडेंड कितने आने वाला है आपको पता है? कैसे जाएगा? तो साक्षीदार बनोगे कि भागीदार बनोगे? भागीदार। सुनाई काम दे रहा है, भागीदार बनेंगे। यस। 1000 का 2000 कर देंगे। 9 तारीख तक IPO ओपन है, तो कितना 3,00,000 तक हम कर सकते हैं, करेंगे? यस। थैंक यू सो मच। DXN एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है, एक एक्सीलेंट प्लेटफॉर्म है। आज तक मैंने बहुत सारे प्लेटफॉर्म देखे, उसमें DXN कुछ अलग है। वो अलग क्यों है वो आज हम देखेंगे, और आज के बाद हम कंपेयर करना छोड़ देंगे। मतलब वो ये कर रहा है, वो कर रहा है, वो कंपेयर करना हम छोड़ देंगे। अगर हमको आगे जाना है तो अकेले जाइए, लेकिन बहुत दूर जाना है ना तो पूरा टीम लेके जाइए, क्योंकि वहां अकेले का काम नहीं होगा। एक बैंकर था, बैंक में काम करता था, 25-26 साल का बच्चा होगा, और वो सबके अकाउंट्स बराबर से देखता था, क्योंकि उनको उत्सुकता रहती थी कितने लोगों के अकाउंट में कितने पैसे हैं, सबको लगता है ना। दूसरे के यहां थोड़ा झांकने की आदत रहती है, उससे इंस्पिरेशन भी मिलता है। तो वो बच्चा हमेशा अलग अलग बैंक अकाउंट में जाके देखता था कि इसका बैंक बैलेंस क्या बढ़ रहा है, और बढ़ रहा है, और बढ़ रहा है। ऐसे गिने चुने लोगों के बैंक बैलेंस को हमेशा देखता रहता, और ऐसे बैंक बैलेंस बढ़ते ही जा रहे थे, बढ़ते ही जा रहे थे। उसको ये समझ में नहीं आ रहा था मैं बैंक में काम कर रहा हूं, लेकिन मेरा बैंक बैलेंस नहीं बढ़ रहा। लेकिन ये जो बंदे हैं जिसके अकाउंट्स मेरे बैंक में है, इसके क्या हो रहे हैं? बैलेंसेस बढ़ते जा रहे। तो उसको स्ट्राइक हुआ, ये बंदे क्या कर रहे हैं? मैं तो जॉब कर रहा हूं, ये बंदे क्या कर रहे हैं? उसने देखना शुरू कर, तो उसको समझ में आया ये जॉब नहीं कर रहे। उसमें से कोई लोग जॉब भी कर रहे हैं, लेकिन ये इन्वेस्टर्स हैं। क्या है ये? मतलब निवेश करने वाले लोग हैं। तो जब उसको ये समझ में आया कि ये बंदा जो बैंक बैलेंस बढ़ा रहा है वो इन्वेस्टर है, तो उसने अपने जॉब के साथ इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया। जब इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया तब उसको पता चला कि मेरा बैलेंस भी अभी थोड़ा थोड़ा बैंक में अच्छे से बढ़ने लगा है, मेरा सैलरी बढ़ने लगा है, मेरा दूसरा सोर्स ऑफ इनकम बढ़ने लगा है। लेकिन वो उतना तक पहुंच नहीं पा रहा था। तब उसको और जाके उसने चेक किया कि ये लोग एग्जैक्टली क्या करते हैं, सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे। जब उसको ये पता चला कि ये लोग ह्यूमन रिसोर्सेस में, मतलब एक दूसरे से मिलते जुलते, गांव में आप तो चौपाई पे बैठते हैं, शाम को क्या करते हैं हम लोग? तब बड़ा अच्छा पारेला कि मैं वी जस्ट मीट इवनिंग में, हम एक दूसरे से मिलते, हालचाल पूछते, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कल का दिन कैसे गया, आज का दिन कैसे, कल क्या करने वाला है तुम, ये जो पूछते। उसको समझ में आया मैं अकेला चलता रहा तो मैं ज्यादा दूर तक नहीं जा पाऊंगा। तो उसने एक काम किया, उसने लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश की, मतलब टीम बनाने की कोशिश की। लेकिन टीम बनाना आसान नहीं है, लगता है आपको टीम बनाना आसान है? वो रानी मक्खी को पूछिएगा या मधुमक्खी को पूछिएगा, आसान नहीं है। एक एक टीम का जोड़ना पड़ता है, तब टीम बनती है। जब उसने ये समझ में आया कि टीम बनाना है तो टीम कैसे बनाए, उसने देखा मंडे से फ्राइडे मेरा जॉब चालू है, जॉब करना ही है क्योंकि मुझे घर का राशन दाना पानी सवाल है तो करना है। लेकिन उसके पास सैटरडे संडे था, क्या था? शनिवार रविवार। ये शनिवार रविवार जब वो निवेश कर करके बहुत बड़ा हो गया,
तो उसने उस शनिवार और रविवार का उपयोग करने का सोच लिया। उसने क्या किया होगा उस शनिवार रविवार में, कोई आप आंसर दे पाओगे? एक टीम बनाने के लिए उसने क्या किया होगा कि वो शनिवार रविवार को, शनिचर और इतवार को उसका वो जो समय है वो अच्छे से यूज कर सके? उसने क्या किया? लोगों से मिलना। अरे वाह, ताली बजनी चाहिए। क्या किया होगा? इतना पैसा तो उनके पास इकट्ठा हो गया था, लेकिन उनको रिचेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड बनना था, एक अमीर आदमी बनना था। तो उसने एक आइलैंड खरीद लिया, एक बेट टापू खरीद लिया। क्या खरीद लिया? एक टापू खरीद लिया। अभी मंडे से फ्राइडे ये अपने ऑफिस में काम करते हैं, लेकिन सैटरडे संडे यहां पे वो पार्टी करते हैं। आपको लगता है वो पार्टी करते हैं? वो 10 साल से 80 साल के सभी लोगों को इनवाइट करते हैं। इनवाइट करने के बाद वहां पे उनको 10 साल का, 20 साल का, 30 साल का सब तजुर्बे का इकट्ठा एक टीम मिलता है, और उसमें से वो आइडियाज लेते थे, उसमें से गिने चुने लोग जो है जो आगे बढ़ना चाहते, टीम का पार्ट होना चाहते, खुद की टीम बनाना चाहते, उनको वहां से उन्होंने सिलेक्ट किया। अभी जब उन्होंने वहां से लोगों को सिलेक्ट किया तो उनकी टीम बढ़ने लगी और उनका बैंक बैलेंस भी क्या होने लगा? चेंज होने लगा, बढ़ने लगा, जो एक रिचेस्ट मैन चाहता है, क्योंकि यहां पे उनको सबका तजुर्बा एक्सपीरियंस मिलने लगा। उसके बाद उन्होंने एक और एक्शन लिया, वो क्या एक्शन होगा? गेस कर सकते हैं? कोई सोच सकता है? दूसरा एक्शन क्या होगा जिसमें बड़ा पैसा मिल सकता है? एनी गेस? फास्ट, हमारे पास टाइम लिमिटेड। सिखाना चालू किया, बहुत अच्छा है, बट नॉट। और कोई आंसर? और कोई आंसर? उन्होंने एक दूसरा आइलैंड खरीद लिया, लेकिन इस आइलैंड पे क्या होता था? रेड कार्पेट बिछता था। क्या होता था? रेड कार्पेट, यानी बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग होती थी। जो लोग टीम में आना चाहते थे, टीम से चलना चाहते, पैसा चाहते, तरक्की चाहते, प्रोस्पेरिटी चाहते, वहां पे वो आइलैंड पे बुलाया जाता था, और वहां पे जो ग्रोथ उनको मिला, आज वो आदमी रिचेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड है। एक 25-26 साल का लड़का जिसकी सिर्फ सोच में उसने ये तय किया कि मुझे बहुत आगे बढ़ना है तो मुझे टीम के साथ चलना पड़ेगा, और उन्होंने अपना एक आइलैंड से दो आइलैंड और रिचेस्ट मैन हो गया। आज आप जो लोग यहां पे आए हो, ऐसा इतवार छोड़ के नहीं आए हो, खाना पीना, आपका सोना, मजा, कितने लोग, तो मई महीना चल रहा है तो रिजॉर्ट में गए होंगे बराबर मौज के लिए, शादी के लिए, लेकिन वो छोड़ के आज बावजूद एक टीम का हिस्सा होने के लिए आए हैं और एक बड़ी टीम बनाने के लिए आए हैं, एक भागीदार बनने के लिए आए हैं, तो ताली आपके लिए होनी चाहिए। अगर आज मैं आपको कुछ सवाल पूछूं तो एकदम प्रामाणिक बने, मतलब गलत चीज नहीं, जो सच चीज है वही आंसर दीजिएगा ईमानदारी से। मतलब मैं चाहती हूं कि कोई गड़बड़ नहीं हो, जो आंसर्स 5 साल पहले हमने देखे हैं, तो अगर प्रश्न पत्रिका आती है तो हम वो गलत जवाब नहीं देंगे। हमारे पिताजी ने कितने साल लगाए हमारे तरक्की के लिए? कितने साल लगाए? 30 साल जीवन के, कि हमको एक अच्छा जीवन मिले, उस हिसाब से हमारे पिताजी ने 30 साल लगाए। उनके पिताजी ने उनका जीवन अच्छा हो, मतलब हमारे दादाजी ने उनका जीवन, हमारे पिताजी का जीवन अच्छा हो, इसके लिए कितने साल दिए? 30 साल दिए। हमारे दादाजी का जीवन अच्छा हो, इसलिए पर दादाजी ने उनके लिए कितने साल दिए? 30 साल। तरक्की, एक उन्नति अपने बच्चे की हो, इसलिए
पर दादाजी ने दादाजी के लिए कितने साल दिए? 30 साल. कितने साल हुए? 90 साल. इस 90 साल में पर दादाजी, दादाजी, पिताजी और हमारा जीवन बदला गया. 30-30 साल दिए गए. 30-30 साल फर्क कर पाए ना? 90 किलोमीटर छोड़ो, 9 किलोमीटर में भी आपका कुछ ऐसा परचम लगाए है कि नाम लिए तो आपका नाम याद आ जाए. 9 किलोमीटर में ऐसा कुछ किए है 90 साल में? करना चाहते हो? करना चाहते हो? कितने लोग करना चाहते हैं? एक हाथ मुझे नहीं चाहिए, मैं हमेशा दो हाथ मांगती हूँ. ऊपर वाला देखता है, तथास्तु बोलता है, दो हाथ ले. तालियां होनी चाहिए. जेफ बेजोस, कितने लोगों ने जेफ बेजोस नाम सुना है? कितने लोग यहाँ पे बैठे हैं जिन्होंने जेफ बेजोस नाम सुना है? कोई है? कोई नहीं है. ओके, उनका फोटो दिखाइए. इसको देखा है क्या किधर? तो अमिया पायलट का पायलट आपने देखा इसको? वेरी गुड. और किसी ने देखा है? वॉन्टेड है, देखा है आपने इसको? कुछ और बता पाओगे इनके बारे में? भूख बढ़ी है. वेरी गुड, तालियां होनी चाहिए. एक नाम पूछना चाहती हूँ. अमेज़न, तालियां होनी चाहिए. अमेज़न का नाम कितने लोगों ने सुना है? अमेज़न सबने सुना है? नाम नहीं सुना है जेफ बेजोस, चेहरा नहीं देखा है, लेकिन उसका करतूत आप तक पहुंचा है, कर्म आप तक पहुंचा है. पावर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पावर ऑफ टेक्नोलॉजी. आज रिचेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड, रिचेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड. एक ही सोर्स ऑफ इनकम है क्या? एक ही सोर्स ऑफ इनकम है? एक ही तरफ से पैसा आ रहा है? चारों तरफ से पैसा आ रहा है. बावजूद अमेज़न उसके 28 सोर्स ऑफ इनकम है और 27 सोर्स ऑफ इनकम है, और अभी वो एजुकेशन में भी महागुरु बनने की कोशिश कर रहा है. 7 स्टैंडर्ड लेवल ऑफ द एजुकेशन देने की कोशिश कर रहा है. वो चाहता है लोग, जब पूरा ग्लोब उसको महागुरु समझे. एक ही सोर्स पे रहता था तो आज वो कहीं का कहीं चला जाता था. जैसे ही समय बदल रहा है, वो अपना सोर्स ऑफ इनकम भी बढ़ा रहा है. एलॉन मस्क का नाम सुना है? कितने लोगों ने एलॉन मस्क को सुना है? बहुत सारे. टेस्ला सुना है? ये एक ही इन्वेस्टमेंट, एक ही सोर्स ऑफ इनकम है क्या? एक ही प्रणाली से पैसा आ रहा है क्या इसका? कितने प्रणाली से आ रहा है? बहुत सारे. जो भी नया चीज आता है, पैसा उसमें निवेश करता जाता है, वो पैसे निकालता जाता है. वॉरेन बफेट आज 94 एज में भी सुबह 7:45 को अपने ऑफिस में बैठता है. रिटायरमेंट लिया क्या 94 में? हम 50 में गए, 55 में गए, रिटायरमेंट लिया है स्टाफों का? पूछते हैं ना एक दूसरे को? ऐसे नहीं होता है. जो बिजनेसमैन है, जो कुछ बदलाव खुद के लिए, समाज के लिए चाहते हैं, वो कभी रिटायरमेंट नहीं लेते. आज भी वो जो आज 94 एज में है, अपने ऑफिस में जाके काम कर रहे हैं. उनको ईमेल भेजना नहीं आता था, तो अपने एक एम्प्लॉय के साथ बैठ के उससे वो ईमेल भेजना सीखने को शुरू किया. एट द एज ऑफ 18, 80 के उम्र में. जब हम 30 के उम्र में थे तब ईमेल, और 80 के एज में वो ईमेल भेजना सीख रहे, मतलब ट्रेनिंग, खुद को अपग्रेड कर रहे. बिल गेट्स नाम सुना है सबने? कितने लोगों ने बिल गेट्स सुना है? सबने सुना है? सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट नहीं, फाउंडेशन भी काम करता है. जो मलेरिया का चेकअप होता है ना, वो कार्ड इतना सा छोटा सा, 50 रुपए का, 100 रुपए का, वो फाउंडेशन भी वर्ल्ड वाइड. बिल गेट्स, मिलिंडा बिल गेट्स जो फाउंडेशन चलता है, वर्ल्ड वाइड चलता है, और सबसे ज्यादा आर्मी के लिए चलता है, मतलब इन डिवोशन टू द हमारी सिक्योरिटी के लिए. ये कहां से कहां सोर्सेस और रिसोर्सेस ने काम कर रहे? विच रिसोर्सेज आर दे यूजिंग? जो भी मिलता है उसको वो रिसोर्स करते हैं. दुबई अरब कंट्री है, उनके पास सिर्फ
ऑयल था, एक दिन वो ऑयल खत्म हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स तो ईवी तो आ गए, इलेक्ट्रॉनिक्स व्हीकल, ये जो सम्राट बादशाह शेख जो है वो खत्म हो जाते थे। लेकिन खत्म होने से पहले उन्होंने क्या किया, ट्रैवल एंड टूरिज्म लाए। सिंगापुर कंट्री में खुद का पानी भी लिमिटेड है, खाना भी लिमिटेड है, लेकिन हम चाहते हैं सिंगापुर जाए, थाईलैंड जाए, फुकेट जाए, पटाया जाए, दुबई जाए, एमिरेट्स जाए, बिकॉज ऑफ टूरिज्म। खुद को बदल रहे, रिक्वायरमेंट ऑफ द टाइम। अंधवस्त्र निवारण तो सबकी जरूरत है, लेकिन टाइम के हिसाब से वो उसको फिगर आउट चेंज कर रहे हैं। और अपना रिसोर्स जो नेचुरल ऑयल रिसोर्स का, वो खत्म होने से पहले दुबई में टूरिज्म शुरू हो गया। सबको पता है बहुत हाई स्टैंडर्ड टूरिज्म है और लोग जाना चाहते हैं, शॉपिंग करना चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं। इनको लोग जानते हैं आप? इनका नाम क्या है? ताली होनी चाहिए सर। इनका सोर्स ऑफ इनकम कितना है पता है आपको? सिर्फ टाटा नमक से पैसे आते हैं क्या? सिर्फ मर्सिडीज से आते हैं? किस किस चीज से आते हैं इनका पैसा? कहां से आता है? टीसीएस, टाटा एआईजी इंश्योरेंस, टी सॉल्ट, संपन्न मसाला, वेस्ट साइड है, स्टारबक का इधर तो शॉप लगा हुआ है, वो टाटा कंसल्ट एक है, पार्ट है, फाइव स्टार होटल्स है, चाचा ज्वेलरी है, और क्या है, चाचा 150 से ज्यादा सोर्सेस से क्या कमा रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। अभी रिसेंटली उन्होंने जो एंट्री किया है वो एक फाउंडेशन ऐसा है जो ग्रीन एज के लिए, मतलब ग्रीन एज मतलब जिनका उम्र हो गया है लेकिन कोई देखने को नहीं है, लेकिन इन्वेस्टर उनको निवेश के लिए तैयार है, वो ग्रीन जोन में भी आ गए। उन्होंने ग्रीन जोन फाउंडेशन इसलिए शुरुआत की ताकि कोई जो नागरिक है भारत का वो वंचित न रहे, मतलब इनके रिसोर्सेस और सोर्सेस दिन ब दिन वो बढ़ाते जा रहे हैं। जो नैनो दे रहे हैं वो मर्सिडीज भी दे रहे हैं और रिक्शा एक्वायर भी दे रहे हैं। ताली होनी चाहिए। सोर्सेस ऑफ इनकम आप समझ रहे हो, 150 सोर्सेस से भी ज्यादा है। हमारे सोर्सेस कितने? क्या हम 90% खुद के लिए और 10% समाज के लिए काम कर रहे हैं, फाउंडेशन के हिसाब से काम कर रहे हैं, खुद को और समाज को अपग्रेड करने के लिए काम कर रहे हैं? तो करना जरूरी है। नेक्स्ट, इनको कितने लोग जानते हैं? सब लोग जानते हैं। फोन जियो का है क्या? जियो मार्ट से कुछ कुछ आता है, डिस्काउंट आता है। इनके सोर्सेस कितने होंगे? कुछ बाकी है?